दोस्तों आज हम खड़े हैं अपने यूपी के वन ऑफ द बेस्ट आर्म रेसलर जो कि स्टेट मल्टीपल स्टेट चैंपियन है, नेशनल चैंपियन भी है, आकाश भाई। और आज हम आकाश भाई से सीखेंगे कि कैसे आर्म रेसलिंग एज अ बिगनर स्टार्ट कर सकता है और बिगनर से अच्छे लेवल पे कैसे जा सकता है। तो आकाश भाई आप ना मुझे पहले तो ये बताओ कि क्या आर्म रेसलिंग कोई कमज़ोर बच्चा भी कर सकता है? अगर मान लो किसी की बिल्ट बहुत कमज़ोर है तो क्या वो अच्छा आर्म रेसलर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अच्छा वो बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैंने देखा है कि किसी किसी का नेचुरली बहुत स्ट्रांग होता है हाथ, तो कैसे किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? जो नेचुरली स्ट्रांग वाले लोग होते हैं वो वही होते हैं जो भले आर्म रेसलिंग या जिम ना करते हो बट अनदर अपना किसी ना किसी किसी ऐसी चीज़ में होते हैं। वो जैसे आपने किसान देखे होंगे, वो कुछ मेहनत वाला काम करते हैं, उठाया धरी वजन वगैरह, तो इसलिए वो नेचुरली उनके हाथ स्ट्रांग होते हैं। ऐसे अगर कोई नेचुरली स्ट्रांग है तो पक्का उसके पीछे कुछ ना कुछ वो कुछ नेचुरली ऐसी चीज़ें कर रहा है जो स्ट्रेंथ से रिलेटेड हैं। जिसने कभी कुछ किया ही नहीं है वो नेचुरली स्ट्रांग भी नहीं होगा फिर, ये एक रियलिटी है। तो नेचुरली अगर कोई स्ट्रांग है तो वो थोड़ा जल्दी स्ट्रांग हो जाता है। जिसको जो बिल्कुल ही जीरो लेवल पर है, पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। ये वो वाली कंडीशन हो गई कि जो अगर बिल्कुल कमज़ोर है तो कैसे होगा, कमज़ोर इंसान भी बन जाएगा, जो नेचुरली स्ट्रांग है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा बस। अच्छा आकाश भाई ये बताइए कि जैसे एज अ बिगिनर मुझे स्टार्ट करनी है आर्म रेसलिंग, मैं 2-4-5 महीने से मैं हूँ कर रहा हूँ, तो मेरी जो ग्रोथ है बहुत स्लो है। और ऐसे हमारे इंडिया में भी बहुत से ऐसे आर्म रेसलर्स हैं जो चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई प्रोफेशनल आर्म रेसलर उनको बताए कि कैसे ग्रोथ थोड़ी सी फास्ट रहे और अच्छी रहे। जैसे कुछ टिप्स और टेक्निक्स ऐसी होती हैं, कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जिनको अगर आप करेक्ट वे में परफॉर्म करें तो वो टाइम से आपकी ग्रोथ ठीक ठाक होती है, और नहीं तो आपकी इंजरीज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं। तो आप क्या हमें कुछ एक्सरसाइजेस हमको आप बताएंगे, करके बताएंगे आप? अभी आपके सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से दूंगा कि आपने पूछा कि ग्रोथ फास्ट कैसे हो, एक बिगनर प्लेयर फास्टली ग्रो कैसे हो आर्म रेसलिंग में एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए, और कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह। तो होता क्या है कि फास्ट ग्रो एकदम फास्ट तो नहीं हो पाएगा, मतलब होता है प्लेयर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई बिगनर प्लेयर है कि वो कितना जल्दी चाहता है, अगर वो ये सोच रहा है कि मैं 2-4 महीने के अंदर बहुत ग्रोथ ला ले आऊँ अपने अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आर्म रेसलिंग में या कोई भी गेम हो, ग्रोथ लाने में सालों का समय लगता है। अब सालों में समय लग रहा है तो वो फास्ट तो नहीं हो सकता, टाइम लगता है। लेकिन तरीका ये कि अगर आप तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, तरीके से डे बाय डे अलग अलग एक्सरसाइजेस को करेंगे, सही डाइट लेंगे, प्रॉपर बॉडी को रेस्ट देंगे, गलत आदतों से दूर रहेंगे, तो इससे बेस्ट वे फिर कोई नहीं है फास्ट ग्रो करने का, यही तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करी कुछ दिन नहीं करी, सही डाइट नहीं ली, बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, गलत चीज़ें भी हैं, तो वो ग्रो नहीं कर पाते। और फिर उन्हीं के ज़्यादातर ऐसे सवाल होते हैं कि हम ग्रो करें कैसे। जो अगर सही तरीके से कर रहा है ना, वो सवाल ही नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ग्रो कर रहा है। उसको खुद दिख रहा है कि मैं एक एक हफ्ते के अंदर मेरे के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको तो समझ आ जाएगा। लेकिन जो बीच में छोड़ रहे हैं, गैप कर रहे हैं, उनका ग्रो जल्दी नहीं हो पाता एक्सरसाइज। अब रही बात एक्सरसाइज की, अब पहले तो बात तो ये डिपेंड करता है कि आप जैसे आप बिगिनर हो, अब आपको मान लीजिए टेक्निक के बारे में नहीं मालूम है कि आर्म रेसलिंग में क्या क्या टेक्निक होती है, कैसे खेलना है, मुझे क्या करना है, तो पहले तो आपको खुद समझना पड़ेगा ये कि आप जो पंजा लड़ा रहे हो तो पंजा लड़ाते समय किस एंगल में आप ज़्यादा पावर लगा पा रहे हो, किस एरिया में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। थोड़ा सा करके दिखाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब मैं आपको एक्सरसाइज करके बताऊँ या वो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो समझाऊँ? नहीं आप करके थोड़ा सा दिखाओ ताकि लोग इसको देखें तो उनको ये चीज़ समझ में आएगा, मतलब प्रैक्टिकली इसको करके मैं बता। तो देखिए होता क्या है, जो बिगिनर प्लेयर होता है उसको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो किस एंगल में ज़्यादा स्ट्रांग है, वो पकड़े कैसे इस चीज़ को कि मैं किस एंगल में ज़्यादा ताकत डालता हूँ। क्योंकि बिगनर्स को अभी कुछ नहीं पता, वो तो बस आगे टेबल पर खड़े होते हैं और सीधे दम लगाना चालू कर देते हैं। अब उन्हें ये पता ही नहीं है कि दम लगानी कितने कितने अलग अलग एंगल्स में लगाई जाती है। जिस दिन वो जान लेते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे तरीके से दम लगाई जाती है और मैं इस एंगल में स्ट्रांग हूँ या इस टेक्निक में स्ट्रांग हूँ, फिर वो उसी पर्टिकुलर टेक्निक की एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, तभी वो सही डायरेक्शन में जा पाते हैं। जिनको नहीं पता चलता है वो कुछ भी करते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अलग अलग कुछ भी कर लेते हैं, तो वो सही चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, सही एंगल में सही दिशा में नहीं जा पाते हैं, तो जल्दी ग्रो नहीं होता है। अब जब एक बिगिनर है उसको ये जानना है, जैसे आप अपना हाथ दिखाइए, आप पकड़िए, तो एक बिगिनर प्लेयर है। अब जैसे मैं तो एक प्रोफेशनल प्लेयर की तरह ही खड़ा हूँ अभी,
बिगनर प्लेयर कभी ऐसा खड़ा ही नहीं होता है, बिगनर क्या करेगा। थोड़ा ग्रिपिंग का बताइए कि यहाँ पे ग्रिपिंग क्या फाउल हो जाती है और क्या सही होती है जिसमें, मतलब जो होता है। तो पहले ग्रिपिंग एक्सप्लेन करूँ? हाँ, ग्रिपिंग थोड़ा सा आप बता दो, उसके बाद आप उसको बताना, क्योंकि अगर हम गलत ग्रिपिंग से ही सीखेंगे या करेंगे तो फिर हम एक्सरसाइज उसके आगे तो हमको मतलब जो है गड़बड़ हो जाएगी। ठीक 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 ग्रिपिंग का हिसाब कुछ ऐसा होता है, मतलब आप मेन मैच के थ्रू जानना चाह रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, मेन मैच के टाइम पे रेफरी आपको पहले 30 सेकंड देता है। 30 सेकंड के अंदर आप अपनी अपनी ग्रिप में अगर रेडी हैं तो मैच स्टार्ट हो जाता है, उसमें ग्रिप का कोई लोचा नहीं होता, आपको जैसे पकड़ना है रेडी हो जाओ बस। फेयर ग्रिप का रूल क्या होता है, जब रेफरी ग्रिप आती है कि आपको बस अपनी जो नकल्स होती हैं इनको शो करके पकड़ना होता है। आपको चाहे टॉप रोल वाली हाई ग्रिप चाहिए हो या आपको हुक वाली लो ग्रिप चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, नकल क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, शो होनी चाहिए ऊपर की नकल्स, हाँ दोनों की होनी चाहिए। दूसरी चीज, हम दोनों प्लेयरों की जो रिस्ट है वो ऐसे ही स्केल की तरफ सीधी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे अंदर रख के पकड़ रहे हैं हाथ को, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टॉप रोल में पकड़ रहे हैं हाथ को, ये दोनों ही गलत है। रेफरीज ग्रिप में दोनों की कलाई सीधी, दोनों की नकल शो, दोनों पुलिंग नहीं करेंगे अपनी तरफ, खींचा खाची नहीं करेंगे बिल्कुल भी, दोनों के शोल्डर सीधे रहेंगे, ये होती है फेयर ग्रिप। ये फेयर ग्रिप है, लेकिन ये फेयर ग्रिप बहुत कम ही लोग पकड़ते हैं, लोग मानते नहीं है, लोग ऐसे 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 कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन जो फेयर ग्रिप पकड़ता है वो प्रोफेशनल, उसका वो अलग ही होगा, जो बहुत अच्छे लेवल पर प्रोफेशनल होता है वो फेयर ही पकड़ेगा, उसका गेम भी अलग होगा। तो ये तो हो गया ग्रिप का मामला। अब आते हैं उस चीज़ पर कि एक बिगिनर आर्म रेस्लर को अपना एंगल पता करना ज़रूरी है, वरना वो सही एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएगा और स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो पाएगा। अब मैं एक बिगिनर हूँ, पहली बार पंजा लड़ा रहा हूँ, देखना मैं क्या करता हूँ। ये टेबल मैंने पहली बार देखी एक बिगिनर आर्म रेस्लर होते हुए, मज़ा आ गया टेबल पे, मुझे पता भी नहीं इसको पकड़ना, मैं ऐसे खड़ा हो गया यूँ करके। ये बिगिनर लोग करेंगे, ये बिगिनर लोग आएंगे और ऐसे पकड़ लेंगे, अब वो क्या करेंगे, ऐसे दम लगाना चालू कर देंगे, तो ये गलत है। अब उन्हें मालूम ही नहीं है, फिर उन्हें सिखाना पड़ता है कि देखो टेबल पे आए हो, इसको पकड़ना ज़रूरी है, इसको नहीं छोड़ना वरना फाउल हो जाता है। एक अपना पैर आगे रखें, अगर आप लेफ्ट हैंड से खेल रहे हैं तो लेफ्ट लेग आगे, अगर आप राइट हैंड से खेल रहे हैं तो राइट लेग आगे और दूसरा पीछे, ये सही पोजीशन होती है। ये मेरा लेफ्ट से है, लेफ्ट लेग आगे राइट पीछे, और अपनी कमर को वेस्ट को टेबल से चिपका के अंदर घुसा के, ये जो गैप होता है ये वाला गैप बैक और ट्राइसेप्स के बीच में जो है, इस गैप को जितना आप क्लोज रख सकते हैं, जितना आप ऐसे क्लोज रख सकते हैं क्लोज रखिए, बॉडी आपकी हाथ से जितना ज़्यादा क्लोज रहेगी उतनी अच्छी स्ट्रेंथ लगेगी, जितना आप बॉडी को हाथ से दूर रखोगे उतनी बेकार ताकत लगेगी, उतनी जल्दी आपका हाथ खुलेगा हार जाओगे, क्लोज रखो। इसलिए क्लोज आ गए, अब क्लोज आने के बाद क्या होगा, अब बिगनर प्लेयर को ये जानना है कि वो ताकत किस जगह पर अच्छी लगा पा रहा है। एक तो होता है हुक, मैं आप टेक्निक बता रहा हूँ उसको ये जानना है कि मैं हुक में अच्छा हूँ या टॉप रोल में। तो वो क्या करे, वो दोनों टेक्निक्स में खेल के देखे और फिर ये देखे कि दोनों में से किस में ज्यादा ताकत उसकी अच्छी लग रही, किस में उसे कंफर्टेबल फील हो रहा है। अब हुक में आते हैं, हुक क्या होता है कि हुक में आपको हाई ग्रिप नहीं पकड़नी होती, ऐसे अंगूठा वगैरह नहीं दबाना होता है, हुक में आप नकल शो करके आराम से ग्रिप ले लें, इस ग्रिप से हुक लगता है, बहुत बेस्ट हुक लगता है। ये ग्रिप ले ली, हुक में क्या होता है कि हम फिंगर से इंसान को अपनी तरफ मोड़ते हैं, ये ऐसे ये मुड़ गया, ये हाथ ऐसे अपना ऐसा हो गया, ये लग गया हुक। हुक लगने के बाद क्या है, अब लगाई जाती है अपनी ताकत शोल्डर और बैक की दम से। अब आकाश भाई एक बात बताइए, आपने हाथ तो मोड़ दिया है, अब मेरा भी हाथ मुड़ गया है, लेकिन इसमें ये भी तो हो सकता है कि मैं डोमिनेटिंग में हूँ और आप नहीं हैं, या अगर आप हैं तो कैसे, मतलब ये कैसे जानेंगे कि आप डोमिनेटिंग पे हैं? अब मैं बता रहा हूँ, ये अभी हम दोनों का हुक लग गया है, अभी कोई डोमिनेटिंग पोजिशन पे नहीं है, क्योंकि ये सेंटर पे लगा हुआ है हुक। अगर यही हुक मैंने इस तरह से लगाया होता तो यहाँ मैं डोमिनेटिंग पोजीशन, आप हारने वाली पोजीशन पर हैं, यहाँ आप हारने वाली पे, मैं हारने वाली पर नहीं हूँ, ठीक है? तो यहाँ आप हार सकते हैं अगर मैंने ऐसा कर लिया है, या अगर आप मेरे साथ ऐसा कर लेते हैं तो मैं हारने वाली पोजीशन पर आ चुका हूँ, भले ही हुक लगा हुआ है। अब यहाँ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अगर आपके अंदर बहुत बहुत अपार ताकत है तो आप यहाँ नीचे से भी इतना झुकने के बाद भी आप सामने वाले प्लेयर को उठा के हरा देंगे, ये तो स्ट्रेंथ वाली बात होगी। तो बात आ चल रही थी अपनी हुक के प्लेयर के लिए कि नए प्लेयर को जानना कैसे, नए प्लेयर को क्या करना है, हुक लगाना है और हुक में अपनी ताकत लगा के देखनी है, कैसे, शोल्डर और बैक इसके कनेक्शन के साथ,
इसको साथ में ऐसे जोड़े रखिए, मतलब ताकत लगाते समय अपना शोल्डर और बैक से महसूस करिए कि मेरी ताकत यहाँ से भी लग रही है, पूरे बॉडी के साथ, और एक साथ ऐसे झुकते जाइए ताकत लगाते जाइए, झुकते जाइए ताकत लगाते जाइए, ठीक है। ये एक आपको चेक करना है कि इसमें आपकी कितनी ताकत लग रही है। दूसरा है टॉप रोल। टॉप रोल में आपको हाई ग्रिप पकड़नी होती है, ऐसे हुक में क्या था नीचे से पकड़ा था, टॉप रोल में आपको हाई ग्रिप पकड़नी होती है। हाई ग्रिप पकड़ो, आप भी पकड़ो हाई ग्रिप लेके। टॉप रोल में क्या होता है, टॉप रोल में आपको आगे नहीं जाना होता है, टॉप रोल में आपको पीछे की तरफ खींचना होता है, उठाना होता है सामने वाले के हाथ को। टॉप रोल कई प्रकार से मारा जाता है, हुक भी, हुक के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो टॉप रोल में पीछे खींचा जाता है, पीछे खींचा सामने वाले की एल्बो खींचेगी, अगर वो एल्बो रोकेगा तो उसका जॉइंट खुलेगा, जॉइंट रोकेगा तो उसकी रिस्ट मुड़ेगी, कहीं ना कहीं प्रेशर डालना है टॉप रोल की वजह से। तो टॉप रोल एक ऐसी टेक्निक है, अगर इंसान बहुत अच्छे से सीख लेना तो अपने से ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले इंसान को हरा सकता है ईजिली। टॉप रोल में पीछे खींचा, उसके बाद ऐसे करके सामने वाले की रिस्ट अगर मुड़ जाती है, 90% होता है कि मुड़ जाती है, कुछ लोग नहीं मुड़ पाते हैं, तो ये होता है प्रॉपर टॉप रोल। इसे इस टेक्निक को कहते हैं टॉप रोल। ये लग गई है, अब बिगिनर प्लेयर को क्या करना है, उसको ये ट्राई करके देखना है कि मैं ये लगा पा रहा हूँ कि नहीं। अगर लगा लिया है और फिर से ये देखना है कि मेरी यहाँ स्ट्रेंथ कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, फिर उसे कंपेयर करना पड़ेगा कि यहाँ वो कितना अच्छा है या फिर यहाँ कितना अच्छा है, जिस भी चीज़ में वो ज़्यादा कम्फर्टेबल है फिर उसी की उसे एक्सरसाइज करनी है। तो ये है तरीका अपने एक्सरसाइज को, अपने एंगल्स को चेक करके पकड़ने का कि आप किस चीज़ में ज़्यादा स्ट्रांग हो। एक बार पकड़ लिया फिर उसकी एक्सरसाइज में लग जाओ, फिर वो वहाँ से स्ट्रांग होना चालू होगा। और एक चीज़ और होती है, हर संडे टू संडे प्रैक्टिस ज़रूर करो पंजे की, क्योंकि बिगिनर प्लेयर है, सिर्फ एक्सरसाइज में जुट जाओगे तो पंजे का एक्सपीरियंस कहाँ से लोगे। पंजे का हैंड टू हैंड एक्सपीरियंस अगर नहीं आएगा ना, जब तक कितनी भी एक्सरसाइज कर लो पंजे में आगे नहीं निकल पाओगे। पंजा आप जब बार बार अलग अलग लोगों के साथ लड़ाओगे, अलग अलग हाथों पर आजमाओगे, तो अलग अलग तरह के प्रेशर फील होंगे आपको, आपको समझ आएगा कि हाँ ये ऐसे भी होता है, इस तरह से भी हारते हैं, इस तरह से भी टेक्निक लगती है। जो पंजे का एक्सपीरियंस है वो अलग है, एक्सरसाइज अलग है। एक्सरसाइज आपको ताकत देगी, पंजा आपको सिखाएगा कि हराना कैसे है, पंजा आपको बताएगा कि रोकना किस जगह पे है, क्योंकि जिस जगह पे पंजा आपको ले जाएगा रोकने वाला एंगल, वो एक्सरसाइज में आप एंगल ला ही नहीं पाओगे। एक्सरसाइज क्या होता है, एक्सरसाइज आपको एक कहावत है ब्रूस ली की, वो जो बोर्ड्स होते हैं वो पलट के जवाब नहीं देते हैं, आप उन्हें तोड़ तो देते हैं पंच मार के, वोट आपको जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि जब आप फाइट करते हो तो वो आप को मारेंगे, आपको जवाब देंगे। तो ये पंजे में वही चीज़ है कि पंजा आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, एक्सरसाइज करोगे वहाँ से आपको आंसर नहीं मिलेगा, वो आपको, वो आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, लेकिन पंजा आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो ये दोनों का डिफरेंस है, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा पंजे से कि आपको पंजा खेलना कैसे है, वहाँ से आपको ताकत बढ़ानी, ठीक है। ये हो गई एक चीज़, तो बिगिनर को पंजा भी लड़ाना है हर संडे टू संडे, एक्सरसाइज डेली करनी है। डेली में भी क्या है, वैसे तो एक दिन छोड़ के बताता हूँ मैं बिगिनर्स को कि एक दिन एक्सरसाइज करें एक दिन ना करें, क्योंकि बिगिनर लोग ढंग से डाइट नहीं ले पाते हैं, एक्सरसाइज करी डाइट नहीं ली, अगले दिन मसल अगर पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाती है उन्हें प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं दर्द सोरनेस ढंग से नहीं कर पाते हैं वो, इसलिए बिगिनर लोग एक दिन छोड़ के करें। अब जैसे मैं प्रोफेशनल हो चुका हूँ, मैं डेली कर लेता हूँ, मैं एक दिन में दो बार भी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे डाइट का और सब चीज़ का नॉलेज हो चुका है, तो मैं अपनी मसल को टाइम से पहले रिकवर कर लेता हूँ ताकि मैं दोबारा एक्सरसाइज करने के लिए रेडी रहूँ, तो मेरा तो चल जाता है। अब नए लड़के को क्या पता इतना कुछ कैसे अपना डाइट ले और रिकवर, वो प्रोटीन उन्हें समझ नहीं आता कि मैं प्रोटीन कहाँ से खाऊँ, क्या लूँ, क्या खाऊँ, अब उन्हें सब बताना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे टाइम से सब उन्हें समझ आ जाता है। जहाँ समझ आ जाता है इंसान में इस चीज़ की समझ आ गई, सारा उन्होंने कॉम्बिनेशन बना लिया, तो फिर वो किसी से पूछेगा नहीं, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। तो यही प्रोसेस है। अच्छा आकाश भाई, एक हमें अगर मान लीजिए कि अपने हुक की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताइए कि जो बिगिनर्स हों, बिगिनर लेवल में, वो हुक की स्ट्रेंथ के बढ़ाने के लिए महीने, दो महीने, तीन महीने में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ उनकी बढ़ जाए, अच्छे लेवल से आर्म रेसलिंग स्टार्ट हो जाए स्टार्टिंग लेवल पे, तो कुछ हमें ऐसी एक्सरसाइजेस बताइए। चलिए बता, तो हुक की एक्सरसाइज के लिए क्या होगा, जैसे आपने पूछा हुक की कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताइए जो मतलब हुक स्ट्रांग हो जाए, तो देखिए हुक की पहली बेसिक एक्सरसाइज जो बहुत ज़रूरी भी है, हर हुक का प्लेयर करता ही करता है, एक ऐसी पुली मशीन होनी चाहिए या तो जिम में या घर पर कैसे भी अपना सेटअप होना चाहिए इस चीज़ का, और एक आर्म रेसलिंग टेबल ये होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ऐसे जो जिम में बेंचेस वगैरह होती हैं ये बेंचेस पर भी हो सकती है, लेकिन जो प्रॉपर वे में होनी चाहिए वो आर्म रेसलिंग टेबल पर ही हो पाती है, बेंचेस वगैरह पर उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो एंगल टेबल पे बनता है
टेबल पे जिस तरह से हमें पंजा लड़ाना होता है उसी एंगल में हमें एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होती है, तभी हमारा बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर पाती है कि हमें कहाँ कैसे परफॉर्म करना है। टेबल पर आप वहाँ अगर एक्सरसाइज करोगे तो वहीं की आदत बढ़ जाएगी, यहाँ परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो ये ज़रूरी है। तो पहली एक्सरसाइज ये है, पुली मशीन पे ये एक हैंडल लिया, इस पर अभी तो ये हैंडल पतला है, ये बहुत पतला है, कोशिश करिए हैंडल मोटा हो तो आपके फिंगर्स पे ज़्यादा प्रेशर रहता है। पहली एक्सरसाइज को खींच के ऐसे रखा, सबसे पहला काम आपको करना है रिस्ट कर्ल्स, बस इतना। रिस्ट कर्ल करने से आपकी रिस्ट और फिंगर्स स्ट्रांग होती है। एक हुक के प्लेयर की रिस्ट और फिंगर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, वही वीक है तो उसके हुक में जान कहाँ से आएगी। इसमें सेट्स और रेप्स कितने होंगे? सेट्स और रेप्स में ये रहता है कि इसमें आप 4 से 5 सेट लीजिए और स्टार्टिंग के 2-3 जो सेट्स होते हैं उनमें रेप्स आप खूब मारिए लाइट वेट से, उसमें आप जब तक रेप मारिए तब तक आपका हाथ ना थक जाए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट के जो 2 सेट्स होते हैं वहाँ आप थोड़ा वेट बढ़ाइए, 10-12-15-20 रेप तक जाइए और रुक जाइए, क्योंकि ये ऐसी एक्सरसाइज है आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं मार सकते, क्योंकि यहाँ मूवमेंट ये वाला चल रहा है, रिस्ट को घुमा रहे हैं और कर रहे हैं, यहाँ आप ज़्यादा वेट मार ही नहीं पाओगे, एक लिमिटेड वेट, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा वेट की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप बहुत आगे एक्सट्रीम लेवल पहुँच जाते हैं तब आप वेट मारते हैं। तो 4 से 5 सेट रेप्स मैंने बता दी कैसे करने हैं। पहली एक्सरसाइज रिस्ट कर्ल्स बहुत ज़रूरी है, ये आपका वार्म अप कर देगी पूरे हाथ को। दूसरी एक्सरसाइज इसी चीज़ पर वो होती है पुलिंग, ये आपने हाथ रखा, इसको रिस्ट कर्ल करते हुए करना है, रिस्ट अंदर घुमाई और इसको पूरा ऐसे दबा दिया, फिर वापस ऊपर आए, हमने रिस्ट कर्ल किया और उसको पिन कर दिया, ये से कहते हैं पुलिंग। ये किस चीज़ में हेल्प करेगी कि आप हुक के प्लेयर हैं, अब आप गेम खेल रहे हैं, आप पहले उसके साथ हुक लगाएंगे, हुक लग गया, हुक लगने के बाद आप उसे पिन भी तो करना है, हराना भी तो है, तो वो यहाँ से डेवलप होगी। हुक की पहली एक्सरसाइज मतलब एक तो आपकी रिस्ट कर्ल हो गया, एक आपकी पुलिंग हो गई, तो ये 2 एक्सरसाइज हो गई हुक की, इससे आपका हुक स्ट्रांग होगा। अब इसी के जगह पे एक साइड प्रेशर होता है, लेकिन साइड प्रेशर में बड़ा चक्कर होता है, बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत से लोग गलत कर देते हैं, तो उसमें इंजरीज हो जाती हैं, इसलिए साइड प्रेशर का जो है बिगनर्स लोगों को मैं बहुत कम वो देता हूँ करने के लिए ऑप्शन, क्योंकि बिगनर लोग क्या है कि हर किसी के पास टेबल नहीं है तो वो गलत गलत जगहों पर करने लग जाते हैं, नीचे ज़मीन पर बैठ के बेंचेस पर करने लग जाते हैं। बेंच पे क्या होता है कि ये जो एंगल मैं समझाऊंगा कि साइड पुलिंग करनी कैसे, वो बेंच पर बनेगा ही नहीं, नीचे वो टेबल पर ही बनेगा, इसलिए साइड प्रेशर जो है मैं बिगनर्स को सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि बिगनर ने अगर गलत साइड प्रेशर मार दिया तो उसके कोनी में इतनी खतरनाक इंजरी होगी कि उसका आर्म रेसलिंग करियर शुरू होने से पहले ख़त्म, परेशान हो जाएगा, इसलिए उन्हें मैं नहीं करता साइड प्रेशर का। तो लेकिन उसकी जगह 2 और 3 ऐसी एक्सरसाइज बताता हूँ मैं जो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको एक डंबल लेना है, ये डंबल दीजिए मुझे आप एक बार, हाँ रख दीजिए बस, ये डंबल लेना है, ये आपकी आर्म रेसलिंग टेबल है, टेबल पर इस डंबल को आपको उठाना है, कैसे, ये डंबल आपने उठाया, आपको क्या करना है, बस इतना करना है, इसे बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा नहीं करना है, ये हाथ आपका नीचे गया और ये ऊपर उठाया, ये हाथ आपका नीचे गया और ये ऊपर उठाया, इससे क्या होगा, ये जो आपका जॉइंट है एल्बो जॉइंट, इसमें जाना है, ये स्ट्रांग होगा कि आपका हुक लग गया है, अब आपका कोई हाथ खींच रहा है तो इस डंबल की एक्सरसाइज करने की वजह से ये आपका जो जॉइंट स्ट्रांग हुआ है वो फिर आसानी से नहीं खींचेगा, वो आप उसे अटका लोगे, क्योंकि आप डंबल उठाते हो अपने जॉइंट को स्ट्रांग कर रहे हो, वहाँ आप रोक दोगे। इसी चीज़ को प्रिचकल बेंच में भी परफॉर्म किया जाता है, बताऊँगा। अब देखिए अभी मैंने बताया कि टेबल आर्म रेसलिंग टेबल पर भी डंबल से करी जाती है, अब प्रीचर पर कैसे करी जाती है, प्रीचर पर 2-3 तरीके हैं करने के। एक नॉर्मल तरीका ये है कि आप अपनी बिल्कुल प्रीचर से चिपक के बैठिए, एल्बो को थोड़ा सा ऊपर रखिए, ऐसे बिल्कुल खोल के नहीं रखना है जैसे जिम में बॉडी बिल्डर्स लोग करते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि हमें क्या है, हमें अपना एक कनेक्शन क्लोज रखना है, एल्बो को पास रखिए थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से करना है आपको, इसको हाथ को बस इतना ही खोलना है, इससे ज़्यादा हाथ नहीं खोलना है और ऊपर ले आना है, इतना खोला ऊपर ले आए, मतलब इसमें क्या करना है आपको ऐसे करके पूरा नीचे नहीं जाना है, पूरा नीचे नहीं जाना है, क्योंकि आर्म रेसलिंग में इसका सीधा कर देना है, इसे बस सीधा कर देना है, और वो भी लिमिटेड वेट तक, जब वेट हद से ज़्यादा होगा तब आप सीधा नहीं कर पाओगे, फिर आप यहाँ पर आके ही रुक जाओगे, इस जगह पर एक लॉक वाली पोजीशन पर आ जाओगे, तो आपको लिमिटेड वेट से हाथ को सीधा करना है बस,
और वापस ले आना है। तो ये क्या है, ये आपके जॉइंट पे प्रेशर बरकरार रहता है, नीचे ले जाने के बाद जॉइंट का प्रेशर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये एक तरीका जो हो गया। एक है जो डबल नरेट करते थे पहले, उनको मैं फॉलो करता था, वो वाला उसे कहते हैं हुक चीट कर, उसमें थोड़ा चीटिंग चलता है। एक मिनट, इसमें क्या है कि आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, अब आपको डंबल के साथ नीचे जाना है ऐसे, और फिर डंबल के साथ ही ऊपर आना है, डंबल के साथ नीचे, डंबल के साथ ऊपर। इससे क्या होगा, मोशन होता है, बिल्कुल होता है मोशन, मोशन हो रहा है, क्योंकि जब मैं कर रहा हूँ ना तो मुझे फील हो रहा है, मोशन हो रहा है। बैक बैक लोअर बैक तो नहीं, इसमें आपका जो लैट्स होते हैं, लैट्स आपके इन्वॉल्व रहेंगे, आपका शोल्डर, आपका जॉइंट, सबसे ज़्यादा जॉइंट, जॉइंट और आपका ये फिंगर और ये रिस्ट और ये पाम, इनका बहुत बड़ा रोल है इसमें। अगर आपका ये वीक है तो डंबल यहीं से फेल हो जाएगा, नीचे रह जाएगा। आपका ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन आपका जॉइंट वीक है तो आपका जॉइंट खुला रह जाएगा, जॉइंट से आप ऊपर नहीं ला पाओगे। ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई ये डंबल के साथ पूरा हुक चीट कर, इसका काम होता है आपका ये आर्म रेसलिंग वाला, ये जो एक एंगल होता है ना, इस एंगल को मजबूत बनाना, इस एंगल में आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। यही कर करके मेरा ये जो एंगल है ये ऐसा बन चुका है, जब एक बार ये लग जाता है तो फिर आसानी से खुलता नहीं है। इसमें मैं 55 kg मैक्स वन रैप, 55 किलो पूरा ऐसे नीचे ले जाके ऊपर तक, उससे ऊपर नहीं, ट्राई नहीं किया, क्योंकि मेरे भी एक वो है तरीका है कि 55 से मैंने एक रैप किया है तो मैं जानता हूँ अब उसके ऊपर मैं जा ही नहीं सकता। जो मेरी लास्ट लिमिट है वही 55 से वन रैप है, उसके ऊपर मैं बढ़ाऊँगा तो वो होगा ही नहीं ना। अगर मेरे 55 से 5-6 रैप हो जाते तो मैं 57-58 ट्राई करता। साइंस यही है, जहाँ आप करी एक रैप पा रहे हो तो सुपर बढ़ा कैसे सकते हो, होगा ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, नहीं हो पाएगा और लग उड़ जाएगी। तो जब मैं 55 से 5-6-7-8 रैप कर लूँगा तो एक बार मैं 60 पे जाने की सोचूंगा अभी, लेकिन अभी बहुत टाइम से आउट ऑफ फॉर्म हूँ तो 55 कुछ नहीं होगा अभी, अभी तो कम चल रहा है। तो ये थी एक्सरसाइज कुछ हुक के लिए, ये मतलब ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो 3-4 जो मैंने बताई हैं, ये कोई भी एक बिगनर आर्म रेसलर लगातार कुछ टाइम तक करेगा ना, भले कुछ और ना करे बस इतना भी करता रहेगा तो उसके हाथ में जो मेन जगह होती है वहाँ जान आ जाएगी। हाँ, जब वो हुक खेला करेगा तो हुक में उसके दम आ जाएगी, हुक में वो आसानी से हारेगा नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों में फिर भी वो वीक रह जाएगा, जैसे रेडी गो की टाइमिंग होती है, स्पीड होती है, टॉप रोल वगैरह होते हैं, अब वो इन सब पे वर्क नहीं करेगा, सिर्फ हुक पे वर्क करता रहेगा तो हुक तो स्ट्रांग हो जाएगा बट बाकी चीज़ों में वीक रहेगा। उसे बाकी कंप्लेंट बनी रहेगी कि मैं जल्दी रोक नहीं पाता हूँ, मेरा एंगल नहीं लग पाता है, एक बार मैं हुक लगा लेता हूँ तो मैं बहुत खतरनाक हो जाता हूँ, नहीं लगता है तो मैं हार जाता हूँ, ये सब रहेगा। तो इसीलिए आर्म रेसलिंग जो है इसके 4-5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, वो सब बनाना पड़ता है। जब बेस्ट है तो और भी चीज़ें, मतलब मैं इन सबको एक्सरसाइज सभी बेस्ट हैं लेकिन सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा, इनके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे होता क्या है, रिस्ट कर्ल्स जो मैंने आपको बताया, रिस्ट कर्ल्स कई टाइप के होते हैं, एक मैंने वो बताया, एक होता है कि आप इसी डंबल से भी करते हो, एक होता है दोनों हाथों से रॉड पे करते हो, तो वो सब करना पड़ता है। वो जब 7-8 एक्सरसाइज मिलती है ना, हाँ बिल्कुल, तो वो 7-8 एक्सरसाइज होती हैं तब वो मिलके बेस्ट बनती हैं, फिर उससे बेस्ट कुछ नहीं। ये है तरीका, और ये हर एक जो जितनी भी टेक्निक्स हैं, हुक है, टॉप रो, लेकिन स्मूव है, कुछ भी है, उन सबकी पर्टिकुलर कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उन सबको मिला दोगे तो फिर आप उस पर लिख दो बेस्ट, वो हो गया बेस्ट। ये है तरीका।